डीएनए में आज सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस राजनीतिक हमले का विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आज बहुत घायल हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे, लेकिन उनके भाषण में धन्यवाद की मात्रा कम थी और कटाक्ष ज्यादा था। उन्होंने अपने सारे विरोधियों और विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया। पहले प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 92 मिनट का भाषण दिया और फिर वो राज्यसभा में भी 70 मिनट तक बोले। कहा जा रहा है कि यह संसद में दिए गए सबसे लंबे भाषणों में एक था। आज प्रधानमंत्री ने संसद में अपनी सरकार के काम गिनाए, लेकिन उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी थी। उन्होंने देश के बंटवारे से लेकर कश्मीर की समस्या तक के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और महात्मा गांधी का नाम लेकर कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही। उन्होंने कांग्रेस राज के घोटाले भी गिनवाए और इमरजेंसी का जिक्र भी किया और यह भी कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू की बजाय सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज कश्मीर का ये हाल ना होता। आज इतिहास के पन्ने खंगालने का दिन है और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उन गलतियों के विश्लेषण करने का दिन है जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर की समस्या पैदा हुई। हमने आपके लिए इसका एक ऐतिहासिक विश्लेषण तैयार किया है जो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद वाला आक्रोश देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने भाषण में आयुष्मान भारत योजना, जनधन, आधार, काले धन और जीएसटी से लेकर स्वच्छ भारत अभियान की बात की। तीन तलाक से लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की बात की और परिवारवाद और घोटालों का जिक्र करके कांग्रेस को आईना दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस भाषा, बॉडी लैंग्वेज और आक्रोश का प्रदर्शन किया वो अपने आप में अनोखा था। क्रिकेट की भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे और विपक्ष ने पिछले कुछ समय में जो भी बाउंसर्स उनकी तरफ फेंके थे उन पर जबरदस्त राजनीतिक शॉट लगा रहे थे। ये कांग्रेस मुक्त भारत मोदी का विचार नहीं, गांधी का है। हम तो उस पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। भारत का विभाजन किया आपने, आप अपने परिवार के लोकतंत्र को लोकतंत्र मानते हो। देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास ना होता। ये एनपीए आपका पाप, लूटो जिसको भी लूटना है लूटो, बस हमारा ख्याल रखो। जिसके हाथ में बैट होता था वो बैटिंग करता था और जैसे ही वो आउट होता था नहीं बस मैं चलता हूँ। आप लोग भी यही है कि आवत चंद्र बैटिंग आप ही को मिलेगी क्या? मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण का था और जगह थी देश की संसद। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा, दोनों सदनों में प्रधानमंत्री बोले और जमकर बोले। ऐसा बोले कि कांग्रेस को तार तार कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के काम भी गिनाए और कांग्रेस की गलतियां भी। गांधी नेहरू से लेकर पटेल तक का नाम लिया और एक मजे हुए वक्ता की तरह उनका सही इस्तेमाल कर लिया। मुझे पता नहीं क्या परेशानी है, हमें न्यू इंडिया नहीं चाहिए, हमें तो हमारा वो भारत चाहिए, हमें पुराना भारत चाहिए, हमें गांधी वाला भारत चाहिए। मुझे भी गांधी वाला भारत चाहिए, क्योंकि गांधी ने कहा था कि आजादी मिल चुकी है, अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। ये कांग्रेस मुक्त भारत मोदी का विचार नहीं, गांधी का है ये। हम तो उस पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को न्यू इंडिया बनाने की बहस में ऐसा हमला बोला कि कांग्रेस के सारे घोटाले और इमरजेंसी भी गिना दी। क्या
सेना के जीप घोटाले वाला भारत, क्या पनडुब्बी घोटाले वाला भारत, क्या बफर्स घोटाले वाला भारत, हेलीकॉप्टर घोटाले वाला भारत? आपको न्यू इंडिया नहीं चाहिए, आपको ये भारत चाहिए। आपको वो भारत चाहिए, इमरजेंसी वाला, आपातकाल वाला, देश को जेल खाना बना देने वाला, कि बड़ा पैर गिरने के बाद, बड़ा पैर गिरने के बाद हजारों निर्दोष सिखों का कत्ल आम हो जाए। आपको वो भारत चाहिए जो तंदूर कांड होता हो और रसूखदार लोगों के सामने प्रशासन घुटने टेकता हो, वो भारत चाहिए। हजारों लोगों की मौत का गुनहगार विमान में बिठा करके उसे देश के बाहर ले जाया जाए, ये आपको भारत चाहिए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के निशाने पर सिर्फ कांग्रेस के घोटाले ही नहीं थे, बल्कि जिसने भी उन पर टीका टिप्पणी की उसे करारा जवाब मिला। आधार का बीज यहां है, साल पहले प्रधानमंत्री जी, वन मिनट प्रधानमंत्री जी, एक मिनट। आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन एंड व्हाट हैपेंड टू यू, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम गो टू द डॉक्टर प्लीज। सिट डाउन। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। बहुत अच्छी बात है कि उनकी संस्कृति, उनकी गरिमा और उनका पद का मर्यादा उन्होंने बहुत अच्छी तरह रखे हैं, बीजेपी दिखाए हैं। मैं उस जगह पे मैं फिसल नहीं सकती, ना गिर सकती। प्रधानमंत्री ने बोफोर्स और परिवारवाद का भी जिक्र किया, लेकिन कुछ इस अंदाज में। ये कोट कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री और बाद में निर्विवादित राष्ट्रपति श्रीमान आर वेंकट रामन जी की आत्मकथा का हिस्सा है। ये मैं वेंकट रामन जी की किताब पढ़ रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं। उन्हें लगता था कि 1980 के बाद से उद्योगपतियों से चंदा नहीं मांगा गया है और पार्टी का खर्चा ऐसे सौदों से पर मिलने वाले कमीशन से चलता है। आप ही के एक महाशय जिनका मीडिया में रिपोर्टेड चीज है, उन्होंने क्या कहा, सल्तनत गॉन बट लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके नेता सिर्फ राज्यसभा में ही प्रधानमंत्री के निशाने पर नहीं रहे, बल्कि इससे पहले लोकसभा में भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं को जमकर आईना दिखाया। प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे लंबे भाषण में देश के विभाजन से लेकर कश्मीर समस्या तक के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। जब भारत का विभाजन किया आपने, जमाने में देश पर राज कर रहे थे, प्रारंभिक 3-4 दशक विपक्ष का एक प्रकार से नाम मात्र का विपक्ष था। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर एक ही परिवार के गीत गाने का आरोप भी लगाया और लोकतंत्र को जवाहरलाल नेहरू की देन बताना भी गलत बताया।
अपने पूरा समय एक परिवार के गीत गाने में खपा दिया। देश के इतिहास को भुला करके एक ही परिवार को देश याद रखे, सारी शक्ति उसी में लगाई। अगर नियत साफ होती तो ये देश आज जहां है उससे कई गुना आगे और अच्छा होता। जब ये कहा गया कि देश को नेहरू ने लोकतंत्र दिया, देश को कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया, अरे खड़गे साहब कुछ तो कम करो। लोकतंत्र ये हमारी रगों में है, हमारी परंपरा में है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भाषण को चुनावी रैली बताया है और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री असली मुद्दों पर देश से बात नहीं कर रहे। राजनीतिक भाषण किया, कैंपेन स्पीच करी, आप पब्लिक मीटिंग में ये बात करना चाहते हो आप करिए, मगर यहां पे आपको देश को जवाब देना है। यहां आपको एक्यूजेशन नहीं लगाने हैं, यहां आपको देश से सवाल नहीं पूछने, यहां आपको देश से जवाब देना है और देश आपसे सवाल पूछ रहा है, आपको जवाब देना है। आज बहुत बातें बोल सकते हैं, हमारे पास एक कहावत है, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। तो पहले तो सबको आजादी दिलाई हमने, आप बचे हैं उसमें, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, अब नाच रहे हो। लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लगातार हंगामा हो रहा था, विपक्ष नारेबाजी कर रहा था और प्रधानमंत्री के भाषण को जुमलेबाजी बता रहा था और इसमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल थे। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया।